वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत है। आप लोगों ने कहा गैरी सर आप लोग पोलैंड भी जा रहे हो, यूक्रेन जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो बनाइए कि पोलैंड का वर्क परमिट कैसे मिलेगा हमें 2022 में, जब हम 2021 में लास्ट में पहुँच चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने उस बूढ़े माँ बाप को एक नया घर देने के लिए और एक नई जिंदगी। तो किस तरह पोलैंड का वर्क अप्लाई करेंगे और कौन सी वेबसाइट्स हैं और किस किस की वहाँ पर वैल्यू है, प्लीज़ थोड़ा खुलकर बताइए। क्योंकि आप ही कैसे यूट्यूबर हो जो अब्रॉड में 18 साल से रह रहे हैं और हर गरीब माँ के बेटे को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसी रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ मुझे कोई एक दूसरा आदमी दे, तो आपको इससे चैनल नहीं मिल पाएगा जो हर गरीब माँ के बेटे के सपने पूरा करना चाहता है, चाहे वो उसका सपना घर बनाने का है, अपने माँ को एक नई जिंदगी देने का, चाहे अपनी बहन की शादी का, चाहे आगे जाकर अपनी वाइफ को एक लग्जरी लाइफ देने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। जो पोलैंड है वो जो कंट्री है वो उसमें जो आबादी है वो 38.5 मिलियन है, जो चेक रिपब्लिक के साथ है, यूक्रेन के साथ है, हंगरी का बॉर्डर भी लगता है और पोलैंड की राजधानी का नाम है वॉर्सा है। जी हाँ, यहाँ पर जो करेंसी है जलोट चलती है जो कि इंडियन रुपीज़ आज की डेट में 19.19 के बराबर है और जो पाकिस्तानी करेंसी में वो 44 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। जो पोलैंड है मैंने खुद विज़िट किया है, 3-4 बार किया है और मैंने आप जैसे लोगों से मिला भी हूँ और लोगों ने बताया कि पोलैंड में जो बहुत सारा काम है वो जो सारा काम है इलेक्ट्रिशियंस का है, प्लम्बर का है। अगर आप इंडिया बैठे अगर बुच्चर हो आप बुच्चर का काम कर सकते हो। अगेन बोलूँगा कि आपको सीवी बनाना है, कवर लेटर बनाना है और एक्सपीरियंस लेना है तो कारपेंट्री का बहुत काम है, यहाँ पर ड्राइविंग का बहुत काम है, अकाउंटेंट, आईटी, सेल्स एंड मार्केटिंग का, कैड डिज़ाइन इंजीनियर्स, गेम डेवलपर एंड होटल का बहुत डिमांड है, ये टूरिज्म पर बेस्ड है। जी हाँ, जो यूके के लोग हैं वो सारे जाते हैं वहाँ पर हॉलीडे लेने के लिए और मैं खुद यूके में 18 साल से रह रहा हूँ। तो गाइस, तो होटल का जो लड़का है बिंदास होकर पोलैंड अप्लाई कीजिए और जो आपकी सैलरी है वो बेसिक सैलरी पर वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। जो एक सैलरी एवरेज लड़का यहाँ पर 900 यूरो कमा लेता है, अगर वो स्किल्ड है, अगर वो ड्रीम बॉय की जॉब करता है वो 2000 यूरो कमा लेता है, अगर वो आईटी का है वो 4000, अगर वो क्लीनर है वो 900 यूरो कमा ही लेगा प्लस उसका ओवर टाइम। तो गाइस, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको बताना चाहूँगा, डोंट बी वरी, आपने कोई वेबसाइट का नाम नहीं लिखना है, मैं वर्क परमिट अभी आ रहा हूँ फिर बता दूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट, आपने ग्लास डोर पर जाना है, टोटल जॉब्स पर जाना है, इंडीड पर जाना है, प्रैकोस पर जाना है, करियर्स इन पोलैंड पर जाना है, जॉब्स इन वारसा पर जाना है और वहाँ जाकर आपने सीवी रजिस्टर करना है। तो प्रॉमिस करो हाथ पर हाथ रखकर एक सीवी लेटर बनाओगे। अगर बात करने का मन करता है यार मैं फ्री आता हूँ, डेली लाइव आता हूँ और इवन की वीडियो को बाद में डिलीट भी कर देता हूँ, आप आइए अपना क्वेश्चन फ्री पूछिए। अगर आपको इंटरव्यू किसी भी कंट्री से, पोलैंड, पुर्तगाल से, मैं आपकी तैयारी करता हूँ, पर मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ ना एजेंट हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, आप फ्रॉड से बचिए, आई एम नॉट सॉलिसिटर, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक इंसानियत के तौर पर, जो मैंने खुद 18 साल धक्के खाए हैं और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, आपका मजाक ना उड़ाएं। तो गाइज, आप बिंदास होकर पोलैंड आ सकते हैं इस स्किल के ऊपर। अब बात करते हैं पोलैंड में वर्क परमिट कैसे लेना है। पोलैंड में वर्क परमिट का पहला स्टेप क्या है बता दिया मैंने, वेबसाइट का नाम, डरिए मत, इन वेबसाइट का जो टाइटल नाम है मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां पर चल देना। तो आपने मानते हैं कि आपने सीवी भेजा है, कवर लेटर भेजा है, आपने जो अप्लाई की है, आपकी इंटरव्यू होगी, पोलैंड का जो भी एम्प्लॉयर होगा जो आपको लेगा उसको प्रूव करना पड़ेगा, जिसको बोलते वर्क परमिट ए बोलते हैं, जहाँ पर मेनली लोग आते हैं, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने आप में वो स्किल देखी जो पूरे वो पोलैंड में नहीं पा पाया। उसके बाद वो आपके बिहाफ पर वर्क परमिट की परमिशन लेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा जहाँ पर आपकी सैलरी, आपका ओवर टाइम, आपको कंपटीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी फ्लाइट इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो गाइस प्लीज़ डर बचना, कोई भी आदमी आपको ऑनलाइन बोल रहा है कि आपकी फ्लाइट और सब कुछ इंक्लूडेड और आपको 500, वो फ्रॉड है। फ्रॉड से बचना, हमेशा कंपनी के HR से मेल कर पता किया करो ये ऑफर लेटर जेन्युइन, मुझसे मत पूछो, मुझे कोई और नॉलेज नहीं है, मैं सॉलिसिटर नहीं हूँ ना कोई एजेंट, मुझे नहीं पता ये ऑफर लेटर फेक है कि रियल है, ये आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी गूगल पर। तो अगर आप अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यू दोगे, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, उसके बाद क्या आपको जॉब ऑफर आएगा और जॉब ऑफर लेकर आप जब पोलैंड जाओगे आप उसको रेजिडेंस वीज़ा में कन्वर्ट करोगे। उसकी वैलिडिटी शायद 2 साल की, 3 साल, डिपेंड करता है, पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। VFS दिल्ली में जो है फर्स्ट वर्क परमिट की बात करूँ, अभी वर्क परमिट 2 पर भी आऊँगा। पहला पासपोर्ट जो आपके पास है, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड हो बाहर आने के लिए, आपका पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपका जो जॉब ऑफर आया जो मैं इसके बाद बात कर वर्क परमिट बोल रहे वो चाहिए, उस पर कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइटल, सैलरी कितनी है, ओवर टाइम मिलेगा, मतलब सब कुछ चाहिए। आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो आपको कम से कम 30,000 यूरो की जो आपको बड़ी ईजिली मिल जाती है, 4-5 हज़ार की ऑनलाइन मिल जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी आपको, आपको इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, आपको अकोमोडेशन बतानी पड़ेगी, फ्लाइट बतानी पड़ेगी, अगर किसी के पास रह रहे हो उससे लेटर लेना पड़ेगा, अगर होटल है होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर
पोलैंड के VFS इंडिया जो भी कंट्री में रहते हैं वहाँ आप अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है और वहाँ जाकर लेना। जब आपके पास वहाँ पर वीज़ा लग जाएगा देन यू कैन फ्लाई टू पोलैंड, तब आपका वर्क परमिट लग गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो वर्क परमिट की होती है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 6-7 हज़ार रुपया है, वो है वीज़ा वर्क परमिट CND, इसको शेंगन वीज़ा बोलते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा है। पर ये वीज़ा में आप जा सकते हो पर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ जाकर आपको देखना पड़ेगा खुद कि कैसे जॉब ढूंढनी है। जी हाँ, आपको वहाँ जाकर देखना पड़ेगा एजेंसीज की रिक्रूटमेंट कौन सी है और पैसा लगे। अगर आपका कोई दोस्त रहता है पोलैंड देन यू कैन स्टे विद हिम और हर और वो आपको बता देगा कि आपके पास कैसे रहना है वहाँ पर, वो आपको बता देगा कि आपने किस तरह जो जॉब है वो आपको ढूंढनी है, या आपके पैसे बच जाएंगे, आप उसका रेंट पे नहीं करोगे, खाना भी आपको दिलवाएगा, तब सही। अगर आप होटल रहकर सोचोगे कि मैंने जॉब ढूंढनी है पुर्तगाल में, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए जॉब इन अब्रॉड इन पोलैंड, और कहीं पर भी वर्क परमिट, मैं ये नहीं कह रहा पर पोलैंड में बहुत टफ हो जाएगा अगर आप सोचोगे मैं वहाँ जाकर इसको कन्वर्ट करूँगा। ओनली इफ़ यू हैव ए कॉन्टैक्ट्स देयर, ओनली इफ़ यू हैव ए स्किल देयर, ओनली इफ़ समवन लिव्स देयर। पर लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, जिसको जॉब मिल जाती है टूरिस्ट वीज़ा पर, माल्टा में बहुत कन्वर्ट किया हुआ है, पोलैंड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए और थोड़ी पेशेंस चाहिए। पर अगेन उसके लिए सीवी कटर चाहिए, किसी का बात करने का मन करता है, इंस्टाग्राम आईडी साइड पर दिख रही है रियल गैरी कुमार, प्लीज़ वहाँ आइए, दोस्त बनी और वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीमियम सर्विस लेनी है पर नो वीज़ा क्वेश्चन, आप आ सकते हैं, आप 1-to-1 भी कर सकते हैं, और सीवी का लेटर बनाना उसके लिए भी आपको गूगल पे पर आना पड़ेगा और पैसे पे कर सकते हैं। पर फ्री बात करनी, फ्री इंटरव्यू, उसके लिए आपको लाइव सेशन पर आना पड़ेगा। तो इसके अलावा बताना चाहूँगा कि आप शेंगेन वीज़ा पर जाते हो तो ये है COD, इसकी कॉस्ट 6,000 रुपया है। इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा भी है, आप ले सकते हो अगर आपके कोई बिज़नेस वीज़ा का प्लान है, आप दिखा सकते मैं बिज़नेस करने आ रहा हूँ। तो ये 3-4 वर्क परमिट के वीज़ा हैं, पर बहुत लोगों को वर्क परमिट मिल रहा है, पर मेन चीज़ यही बोलूँगा, जाते थे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, CV बनाओ, कवर लेटर बनाओ और बिंदास होकर जॉब अप्लाई करो। 50 करो पोलैंड, 50 करो माल्टा, 50 पुर्तगाल, जहाँ लगता है लग भाग जाओ। पर अगेन जो लोग लड़के फ्रेशर हैं, सजेस्ट करूँगा दुबई, कुवैत, सऊदी में काम करो गाइस, आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। मुझे लोगों ने बहुत मारा है चप्पलों से, बेल्टों से मारा है, पर अगेन मेरी किस्मत मुझे आज गोवा भी ले आई है, आगे बिहार भी लेकर जाएगी, क्योंकि मैं हर एक इंसान को एक इंसान की निगाह से देखता हूँ। तो गाइस प्लीज़ एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझसे बार मत पूछो सर उसकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो या मोबाइल नंबर, किसी के इंस्टाग्राम आईडी, फ़ोन नंबर देना, कोई चैट को डिस्प्ले करना उसकी बगैर परमिशन के, क्राइम है UK में GDPR। तो मैं किसी की आईडी नहीं दे सकता ना ही आप मेरे को स्क्रीनशॉट पब्लिक प्लेस पर कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्राइम है, आपको भी जेल हो सकती है, तो जेल हम दोनों को ना हो। तो इसलिए मुझसे मत पूछो किसी की पर्सनल आईडीज, पर्सनल फ़ोन नंबर्स मैं नहीं दूंगा, और ना ही मेरे पास, और ना ही मैंने किसी का फ़ोन नंबर लिया हुआ है। तो ये मेरी उसकी और सब्सक्राइबर की बात है, अगर बताता है कि जॉब कैसे ढूंढी है वो अपनी मर्जी से मेरे चैनल पर आता है कि उसको जॉब माल्टा मिल गई है। पर अगेन आई कॉन्ट डिस्क्लोज एनीबडीज IDs इंस्टाग्राम और कुछ भी, और आप भी कभी भी मेरी ID को डिस्क्लोज मत करना अगर आपके पास कोई भी ID है। तो ये था आज का वीडियो, पर अगेन मेरा एक और चैनल है साइड पर GaryTV दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बताएगा आपको UK में आगे शुरू हो जाए 2 साल का वर्क वीज़ा। जी हाँ, UK ने शुरू किया है 2 साल का वर्क वीज़ा, जहाँ पर आप लोग UK बिंदास होकर आ सकते हैं और वहाँ आकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जॉब ऑफर भी चाहिए। बस एज लॉन्ग एज आप यंग हो आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब मिल जाए UK सेटों से। तो GaryTV साइट पर YouTube चैनल मेरा सेकंड है, सब्सक्राइब कर लेना, आगे वकील के वीडियो लेकर आऊँगा कि आप कैसे अप्लाई करना है और कौन एलिजिबल है, पर वो कोटा बेस्ड है, सीट बेस्ड है, ऐसा ना ग्रीन मार्केट में पीछे रह जाए, तो सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिए। तो ये था आज का, बताना कैसा लगा है पोलैंड का वर्क परमिट, अगेन रिपीट करेंगे, सी बनाओ, कवर लेटर बनाओ, लिंक्डइन में रजिस्टर हो, ये वेबसाइट पर रोज़ जॉब अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वर्क मिलेगा, आपने VFS भागना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने, उसके मिलने के बाद आपने रेजिडेंस परमिट लेना, पोलैंड जाकर और दबा कर वहाँ पर काम करना, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। मेन क्या है, जॉब ढूंढनी, और जॉब कैसे ढूंढनी, कौन स्किल है, ये आपके ऊपर है, कुछ काम सीखे और एक अच्छा CV बनाइए। तो करूँगा बाय बाय उन माँ के बेटों को जिनके सामने देश में बसने के, बाय करूँगा उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को लोन देकर बाहर भेजते हैं, तो बाय करूँगा उन सब लड़कियों को जो अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और इवन के खुद भी आगे आकर एक नई जिंदगी जीना चाहती हैं। तो गाइज आप सब को सिर झुकाकर मेरा सलाम, स्टे सेफ एंड ब्लेस, आई लव यू ऑल एंड आई होप आई विल सी नेक्स्ट ऑन द मीन टाइम गाइज, स्टे सेफ एंड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।